हमारा गुंडा राज तो ऐसा तो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। आवाज गाड़ी लेके आदमी लोग गड्ढे में गिर के मर जाते तो बता गड्ढा मुक्त गुंडा राज का मुक्त करिए। वो खुद है गुंडा राज है, उनसे बड़ा गुंडा है कौन। बीजेपी वाले ही अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरों पे ब्लेम क्यों लगा रहे हैं। बीजेपी वाले अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, योगी जी मोदी जी इनका क्या परिवार है कोई। जिनका कोई परिवार नहीं है वो परिवार की बात क्यों कर रहे। लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं लिमरा न्यूज। जैसा कि कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, वहीं 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में इस बार जनता का क्या मूड है, जनता इस बार किसे सत्ता में बिठाएगी, किसे सत्ता से बेदखल करेगी, चलिए जानते हैं। हमारे साथ में दादा मौजूद। दादा, क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार, किसे सत्ता में बिठाएंगे इस बार? सत्ता में कोई भी आ सकते हैं। लहर दो ही आदमी की चल रही है, बाबा जी अखिलेश। हाँ, तो आप किसे ला रहे हैं इस बार, आप किसे ला रहे हैं? अरे भैया, तो दो में कोई ये एक ही है। हाँ नहीं, एक ही है, लेकिन आप की कल ही हो योगी आदित्यनाथ। पाँच साल रहे जरूर। हाँ। बस इनके में थोड़ी सी महंगाई, थोड़ा सा कारोबार जब आदमी डिस्टर्ब हो गया बस। हाँ, तो क्या मतलब है, मतलब फिर वापसी करते हैं योगी आदित्यनाथ? हमारा वापसी नहीं की बात है। नहीं तो आप किसे ला रहे हैं? अब आने को तो हमने आपको बता दिया कि दो ही। नहीं नहीं, आने के तो आप किसे ला रहे हैं? आप एक को बता दे, आप बताएं ना। हम तो भैया अखिलेश को देखते हैं, अखिलेश को लाएंगे। चलिए हम दादा बार कर जा। दादा, क्या माहौल है इस बार? हाँ, माहौल तो ठीक ही है, सब ठीक ही है। हाँ, सब हाँ बढ़िया है। फर्स्ट क्लास। कड़ाके ठंड हो रही है ना? हाँ, ठंडा भी हो रही है। इस बार से ज्यादा हुई ना? बिल्कुल हुई। तो क्या बात है, इस बार फिर वही वापस आ रहे हैं कि कोई दूसरा? नहीं, वापिस क्या रहे, काम हम जो है मतलब महंगाई इतनी है और ये गैस सिलेंडर वगैरह बांट के इतनी महंगाई कर दिया है। गैस सिलेंडर बांटे तो? हाँ, तो बांटे किस काम का, इतनी महंगाई है। गैस सिलेंडर वो हजार के, जो हजार रुपए में सिलेंडर मिल रहा है और हर चीज में हजार रुपए भी दे रहे हैं ना, श्रम कार्ड में हजार रुपए दे रहे हैं। अरे वो किसी को मिल रहा, किसी को, सबको थोड़ी नहीं मिल रहा है। किसी को मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा है। बाकी तो सब सही है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो क्या क्या चीजें सही नहीं है? थोड़ी महंगाई है, कड़वा तेल है, 200 रुपए में हो गया है। तो वापसी करेंगे फिर? वापसी करेंगे कि किसी दूसरे को सोच रहे हैं? वापसी जो है अब क्या बताएगा, आप बताएं ना, आप क्या करेंगे? हाँ, तो अखिलेश आएंगे और क्या, अखिलेश ला रहे हैं। हाँ बस, चलिए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी भाई, क्या कुछ माहौल है इस बार? इस बार समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, पार्टी माहौल है, चेंजिंग चाहिए, बदलाव, बदलाव जी, बदलाव चाहिए इस बार। योगी आदित्यनाथ से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। महंगाई बढ़ गई है। हाँ। और बेरोजगारी बढ़ गई है। कि फ्री सिलेंडर दे दिए हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दे दिया है। हाँ। पहले 450 की गैस थी, इस वक्त 1000 रुपए की भरवाई जा रही है। बेरोजगारी में कहाँ से लाएगा गरीब आदमी 1000 रुपए गैस भरवाने के लिए? सिलेंडर फ्री दे दिया है तो कोई कमाल नहीं कर दिया जी। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए इस बार अखिलेश के साथ। अखिलेश यादव आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, उम्मीद है, देखते हैं जी, उम्मीद है, देखते हैं जी। हम कुछ और लोग। जी भाई, क्या कुछ माहौल है इस बार? इस बार अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश, इसमें सत्ता परिवर्तन का मोड बना लिया एकदम? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, क्या वजह है? बस यही महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी और बाकी काम सही थे? हाँ, बाकी काम तो ठीक है। राशन टाइम पे मिल रहा है ना? हाँ, राशन टाइम पे मिल रहा है और कोई दिक्कत नहीं। पैसा भी आ रहा है? खाते तो पैसा बहुत आ रहा है, लोग लोग खर्चा नहीं कर पा रहे, खर्चा नहीं कर पा रहे। तब काहे बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है? नहीं, उसको खर्चा नहीं कर पा रहे ना, इसलिए महंगाई इसलिए ज्यादा आ गई है। अच्छा, अगर वो पैसा आ रहा होता तो महंगाई इतनी ना होती। क्योंकि भाई पैसा आ रहा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, बदलाव होने नहीं चाहिए। क्योंकि सबके खाते में पैसे भी आ रहे हैं और लोग चिल्ला भी रहे हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। भाई तो काहे बदलाव चाहिए, आप तो बोल रहे पैसा आ रहा है, खर्चा नहीं कर पा रहे, क्या बताए? बस आप समझ लीजिए, पैसा आ रहा है बस लोग खर्चा नहीं कर पा रहे, अब क्या बताएं उसके बारे में? अखिलेश आएंगे तो खर्चा कर पाएंगे। अब देखिए, कोई भी सत्ता में आएगा वो अपने बारे में सोचेगा खाली। हाँ। कोई भी आए, कोई पार्टी आए। तो मतलब आप किसे ला रहे हैं फिर? अब देखिए, किसकी आती सरकार? नहीं, आप किसे ला रहे हैं? अरे हम, हमारे लाने से क्या होता है? आप ही, अरे जनता जनार्दन है आप। भाई समाजवादी आनी चाहिए। समाजवादी, क्या कुछ माहौल है इस बार? माहौल तो भाई यही चल रहा है कि सपा सरकार का, सपा जी, मगर हम चाहते हैं कि हाँ। आप पार्टी आए, आम आदमी जी, दिल्ली मॉडल, अलग अलग जी, नया। हाँ, क्या वजह है आम आदमी पार्टी? सब 300 यूनिट बिजली अखिलेश भी दे रहे हैं।
बात बिजली बिजली थोड़ी होता, दिल्ली मॉडल चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ पे पढ़ाई, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये सब चाहिए। ये सब महंगाई महंगाई तो जो सरकार आएगी वो तो होती रहेगी जी हाँ, कोई सरकार ये थोड़ी करेगी जो महंगाई सस्ती हो गई, वो तो महंगाई तो बढ़ना और बढ़ना, ये इस सरकार में महंगाई आगे भी आएगी वो इधर वो भी बढ़ेगी। मतलब आम आदमी पार्टी लाएंगे? हम आम आदमी पार्टी चाहते हैं जी। दादा क्या कुछ माहौल है इस बार, क्या कुछ माहौल है, किसे ला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य दल को? ये तो ऊपर वाले जान सकते हैं, ये तो ऊपर वाले जान सकते हैं। आप किसे ला रहे हैं? हम किसको लाएंगे बताइए, किसे लाएंगे हम, क्या जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कहाँ कर रहे हैं बताइए, कौन सा काम अच्छा किया? राशन दे रहे हैं ना फ्री, राशन खाली दे रहे हो, पैसे भिजवा रहे हैं, खातम पैसे भिजवा रहे, विकलांग बच्चों के लिए क्या किया उन्होंने बताइए, क्या किया विकलांग बच्चों के लिए? किसी विकलांग बच्चों को कॉलोनी मिली, किसी विकलांग बच्चों को पैसा पड़ा है, वही पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है बताइए, है मेहनत कर रहा है विकलांग आदमी, वही खा रहा, पुलिस वाले अलग परेशान करते हैं विकलांग बच्चों, तो क्या करेगा आदमी बताइए, किसको लाएंगे बताइए, आप खुद बता दीजिए हमको जरा। फिर किसे ला रहे हैं? अब अखिलेश ही आएगा, अखिलेश बुलाएंगे बस, सत्ता परिवर्तन का मूड है एकदम जी हाँ। हाँ दादा क्या कुछ माहौल है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वह बदलाव कर दो बस और यही सही है, बदलाव करेंगे इस बार, बदलाव करेंगे, अखिलेश को लाना है और बाकी सब सफाया करना है। क्या वजह अखिलेश को ला रहे हैं? अखिलेश को लाना है, अखिलेश बढ़िया आदमी है, राशन राशन वासन की नहीं, राशन तो सभी देंगे, वो दे रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, हमारे लोगों की मार के दे रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन मसला सिलेंडर वलेंडर कुछ नहीं दे रहे हैं, वो जिसको दे रहे हैं उसको हमको नहीं दे रहे हैं, मसला ये है अखिलेश से हुसैनाबाद को बदल दिया, आज हुसैनाबाद पहचान नहीं मिल रहा, ये हुसैनाबाद घंटाघर है, और ये आए तब से कौन सा काम उखाड़ के ढेर की ने, कुछ उखाड़ के ढेर की ने, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ और लड़वाना बनाना, और कहाँ काम इनके पास कोई काम है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है बस, यही काम है इनका, इसलिए बदलाव है। मतलब सत्ता परिवर्तन का मूड बना लिया एकदम से? बिल्कुल पक्का है, हम कट्टर समाजवादी हैं, हम डरते नहीं हैं, मोदी सरकार हो चाहे वो कोई सरकार, साफ बात कहते हैं, हमें ठेला धक्का लगाना मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन सहूलियत होना चाहिए थोड़ी सी, पुलिस अपना कार्यक्रम कर रही है, योगी आदित्यनाथ बोल रहे गुंडा राज मुक्त, हम गुंडा राज तो ऐसा तो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, आवाज गाड़ी लेके आदमी लोग गड्ढे में गिर के मर जाते, तो बताओ गड्ढा मुक्त गुंडा राज का मुक्त करिए, वो खुद है गुंडा राज है, उनसे बड़ा गुंडा है कौन आप बताओ, उनसे बड़ा गुंडा है कोई, बोलने कह रहे समाजवादी पार्टी में वो समाजवादी पार्टी में गुंडा ही नहीं है, गुंडा ही इनकी में है, कितने रेप केस हुए हैं इनकी राज में, हुए ना हुए हो बताओ, कितने केस हुए आपको, बोलने कह रहे हैं हमारे में हमारी पार्टी में कोई भी अपराधी नहीं, नहीं कोई अपराधी, समाजवादी अपराधी वो दूध के धुले हैं, वो दूध के धुले हैं, वो दूध के धुले हैं जी। भाई क्या कुछ माहौल है इस बार, आप बताइए क्या माहौल है, आप बताइए क्या माहौल है, हम क्या बताएं, आप बताइए ना, आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं तो हम तो इसलिए तो राय जान रहे हैं आपकी, नहीं नहीं आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए क्या माहौल है, हम इसलिए तो जान रहे हैं, नो आई एम नॉट टॉकिंग, जस्ट आई कांट बिलीव दिस आंसर, ओके राइट नाउ, ओके आप बताइए, आप पत्रकार हैं, पूरी की पूरी मीडिया भी की हुई है, पूरी की पूरी मीडिया भी की हुई है आप इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आप बताइए क्या माहौल है, क्या माहौल है भाई, तो जान रहे तुमसे क्या, मैं तो अखिलेश जी को ला रहा हूँ, अखिलेश जी को ला रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, अखिलेश जी आ रहे हैं 99% क्या 101% आ रहे हैं। ये बताइए आज अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होगी उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अगर आप अपने परिवार में अपने परिवार के अगेंस्ट चले जाएं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दैट्स ऑल, वो अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी मेंटेलिटी है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी को दबाव नहीं बना सकते हैं, ये लोकतंत्र है, अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है, लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है, आप जिसको चाहें जहां आप अपने अधिकार है आपको, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, कोई फोर्स थोड़ी ना किया जा सकता है। और रही बात सरकार आने की, सरकार अखिलेश जी की ही आएगी, बीजेपी तो अब निशाना साध रही है, कह रही है कि परिवार में ही एकजुट नहीं है, परिवार में ये है अपर्णा यादव आज शामिल हो गई है, एक मिनट, बीजेपी वाले ही अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरे पे ब्लेम क्यों लगा रहे हैं, बीजेपी वाले अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं
योगी जी, मोदी जी, इनका क्या परिवार है कोई? जिनका कोई परिवार नहीं है वो परिवार की बात क्यों कर रहे हैं? जिनका कोई परिवार नहीं है वो परिवार की बात क्यों कर रहे हैं? जिनका परिवार हो वो परिवार की बात करें, जिनका कोई परिवार नहीं वो परिवार की भाषा लेके टहल लें। देन क्वेश्चन टेल मी, ओके, मतलब सत्ता परिवर्तन का मूड बना लिया? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। अखिलेश जी आ रहे हैं और आएंगे।